हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीटरूट लिप बाम, जो कि 100% प्योर और नेचुरल है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया गया है और आप इसे एज अ चीक टिंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीटरूट लेंगे, इसको चॉप करके ब्लेंड करके इसका जूस निकाल लेंगे। तो जो बीटरूट का जूस है वो बहुत ज़्यादा वाटरी है, तो अब हम इसे कुक करेंगे जिससे इसका वाटर रिड्यूस होगा और ये थिक होगा। इसके बाद आपको लेना है वीस वैक्स। ये जो वीस वैक्स है वो 100% नेचुरल है और इसे मैंने खुद बनाया है। और आपको लेना है कोई भी ऑयल, मैं यहाँ पर आमंड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो अब हम डबल बॉयलर की हेल्प से वीस वैक्स को मेल्ट करेंगे। मैं यहाँ पर करीब 1 टेबल स्पून ऑफ वीस वैक्स एंड 2 टेबल स्पून ऑफ आमंड ऑयल ले रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये जो वीस वैक्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कम ऑयल में अब बहुत ही जल्दी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है। बट मेरे पास एक और वीस वैक्स है जो मैंने ऑनलाइन बाय किया था, वो बहुत ही हार्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही वो सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। तो आप अपने वीस वैक्स के हिसाब से ही ऑयल ऐड करें। अब इसमें हम बीटरूट जूस जो हमने थिक किया हुआ था वो ऐड करेंगे। ये पूरे एक बीटरूट का जूस है जो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बट बॉयलर पर रखकर ये मिक्स नहीं होगा, तो हम इसे बॉयलर से निकाल के इसे ठंडा होने देंगे और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे। ये एक बेसिक रेसिपी है, बट आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक आप इसमें एक से ज़्यादा ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप इसमें विटामिन ऑयल ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं और आप अपना खुद का लिप बाम बना सकते हैं। आपका लिप बाम कैसा बनेगा ये टोटली डिपेंड करता है आपके वीस वैक्स पे। आपका वीस वैक्स जितना अच्छा, जितना प्योर होगा उतना अच्छा आपका लिप बाम बनेगा। जब आपका लिप बाम कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो आप इसका टेक्सचर ज़रूर चेक करें। अगर ये स्मूथली अप्लाई हो रहा है, मतलब आपका लिप बाम रेडी है। बट अगर ऐसा नहीं है, आपका लिप बाम स्मूथली अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप इसे दोबारा से मेल्ट करें, इसमें और ऑयल ऐड करें और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करें। मेरी लिप बाम तो रेडी है, ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो रही है और अब मैं इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। इस लिप बाम की जो सेल्फ़ लाइफ है वो मोर देन 3 मंथ्स है। ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है, ये आपके लिप्स को डीपली मॉइस्चराइज करता है। ये जो लिप बाम है वो चैप्ड लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपके लिप्स को बहुत ही अच्छे से हील करता है। ये लिप बाम ऑयली नहीं है, ये ग्लॉसी फिनिश नहीं देता, इसकी जो फिनिशिंग है वो मैट है। और बिकॉज ये 100% नेचुरल है, तो इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम नॉर्मली लिप बाम यूज़ करते हैं उससे। अगर आपका लिप बाम का कलर आपको और भी ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इसे रीअप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा लिप बाम है, मैं इसे लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। अगर आप इसे डे टाइम में अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसे नाइट टाइम में एज अ नाइट लिप बाम अप्लाई करिए, आपके लिप्स को हील करेगा, रिपेयर करेगा, डीपली मॉइस्चराइज करेगा। अगर आप एक अच्छा लिप बाम बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप एक अच्छी क्वालिटी का वीस वैक्स यूज़ करें, क्योंकि उसी पे आपका लिप बाम डिपेंड होगा। जितना अच्छा प्योर वीस वैक्स होगा उतना ही अच्छा आपका लिप बाम बनेगा। आप इस लिप बाम को एज अ चीक टिंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने फिंगर में लेना है, हल्का सा रब करना है और अपने चीक्स पे अप्लाई करना है। ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, बहुत ही नेचुरल लगता है आपकी स्किन पर और साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप आपको ये लिप बाम पसंद आया होगा। ये 100% नेचुरल लिप बाम है, तो एक बार तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।